शुरू करिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिलाल अख्तर है, मैं प्रॉपर भोपाल एमपी से बिलोंग करता हूँ और मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहा हूँ। अपना ये फीडबैक देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। और जब मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम भी नहीं थी, तो मैंने अपने सीनियर्स जो थे और अपने कुछ मेंटर्स थे तो उन लोगों से मैंने कंसल्ट किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आपको बेसिक नॉलेज तो स्टेट प्रो का होना चाहिए, आप उस कोर्स को ज्वाइन करो। तो मुझे उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो मैंने कई कंसल्टेंट्स के पास भी विजिट किया लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मतलब कुछ भी हेल्प नहीं मिल पाई। काफ़ी हेजिटेशन था मुझको इस चीज़ का, तो मैंने उसके बाद कोर्स ज्वाइन करने का सोचा कि कहीं ना कहीं मैं कोर्स ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ कहीं समझ नहीं आ रही थी कि मुझे उस चीज़ को कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं जनरली यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखता रहता था कि मुझे कैसा करना है, कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने एक बार यूनिक सिविल का सर का एक वीडियो देखा, तो सर ने उस वीडियो में काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था हर एक पॉइंट को। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ, इस तरीके से अगर कोई डिस्कस करता है तो हमें आगे बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो आपको ये भी, अगर आप कोर्स स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये भी आपके माइंड में आएगा कि मुझे किन किन बेसिक चीज़ों का नॉलेज इस सॉफ्टवेयर के लिए होना चाहिए। तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ थी कि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो मैंने भी ये चीज़ देखी कि मुझे क्या क्या बेसिक नॉलेज आना चाहिए। तो इसके लिए आपको खास नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं और थोड़ा बहुत आपको ऑटोकैड का नॉलेज जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपको पीपीटीज जो अवेलेबल कराई जाती है यूनिक सिविल की तरफ से, तो उसमें आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आप सॉफ्टवेयर का बेसिक इजीली समझ सकोगे और इस लेवल पे आप पहुंच जाओगे कि आराम से आप किसी भी G++ या G++5 के स्ट्रक्चर को आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो फाइनली अब मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है और मेरा G++ या G++5 पर ईजिली मैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकता हूँ। और मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आकाश पांडे सर का और यूनिक सिविल का, जो उन्होंने इतनी मेहनत करी और इस मतलब मुकाम पे उन बच्चों को पहुँचाया कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को जनरली डिज़ाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए या ऑनलाइन। ऑफलाइन मोड में हमारे पास काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑफलाइन जाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनसे आप बेनिफिट उठा सकते हो। ऑनलाइन में जैसे अगर आप लाइव क्लास करते हो तो अगले दिन आपको उसी क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराया जाएगा। अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी जाते हो तो आपको वो चीज़ें अगले दिन आप लेक्चर देख के उनको रिमाइंड कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप ऑनलाइन मोड पर ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू कहना चाहूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आकाश पांडे सर, यूनिक सिविल, थैंक यू।